देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतंत्र तरीका नहीं है। मैं अपने पंजाब के किसान भाइयों को ये निवेदन करता हूं, केंद्र वाली बातें कब तय हो कब नहीं हो, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी तरफ देख लें। जो कुछ हम कर रहे हैं, हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है, यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। हम 14 फसलें अपनी ये एमएसपी खरीदते हैं, वहां 2 फसलें सेंटर, वो तो खरीदनी क्योंकि सेंटर का एक मैंडेट है, धान है और गेहूं है, तीसरा अगर कह सकते तो गन्ना है। गन्ने पर को भी अशोर प्राइस के ऊपर लेते हैं, हमारी मिले हैं, सरकारी हैं, कोऑपरेटिव करती हैं। इसके अलावा पंजाब में तो और कोई फसल नहीं खरीदते। हमने बाजरा भावांतर पर कर लिया, सब्जियां भावांतर पर कर ली, हमने हमारे यहाँ मूंगफली होती है वो हमने लेनी शुरू की है, मूंग है वो लेनी शुरू की है, तिल है वो लेना शुरू किया, सरसों वो लेना शुरू किया, सूरजमुखी वो लेना शुरू किया। सूरजमुखी में भी 1000 रुपया मैंने भावांतर दिया ना, अब 100-200 रुपया ऊपर नीचे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज 5000 रुपये में बिक रही थी, 5200 रुपये में बिक रही थी, हमने 1000 रुपया भावांतर दिया, 6200 हो गया ना। तो इसलिए मेरा ये कहना कि सारी चीजें आपस में बैठ करके की जा सकती हैं। अगर हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीजें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे वहां पूरी करा ले, तो पंजाब के किसान की आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज पराली जलाने में वहां सबसे ज्यादा न्यूसेंस है, जमीनें उल्टा पुल्टा करने में जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहां भी होता है। हमने जमीनें किसान की खरीदने के लिए किसान के ऊपर छोड़ दिया, भैया सहमति से लेंगे, ई भूमि पर आप डाल दो, आपको बेचनी है तो हमारी डिमांड है तो हम भी डाल देंगे, आप रेट अपना तय करो, रेट के बाद बैठ के नेगोशिएट करते हैं और उसमें समस्याएं हल होती हैं। कोई ब्लेम इस समय तक का किसान के हमने जबरदस्ती जमीन ली कोई एक भी आया 10 साल में नहीं आया है, तो किसान से कैसे डील करना। और आज हमने जो बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक की हैं उनमें ज्यादातर लाभ तो सारे समाज के उस वर्ग को मिला है जो गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, पारदर्शी नौकरियां, इसका लाभ किसान को बेटे को नहीं मिल रहा क्या? पंजाब के किसान के लिए मांग डालनी चाहिए सर, हरियाणा के जो पानी है सॉइल नहीं जा पा रहा है, वो मांग पत्र में डालना चाहिए। नहीं, वो मांग पत्र में डाले हमारे हरियाणा के लोगों को हमने कहा है और हरियाणा का लोग समझने लग गया। आज हरियाणा का आदमी ठीक है, छोट मोट घटनाएं होती होंगी, छोट मोट लोग वहां जाते भी होंगे, एक आध बेल्ट में कहीं 200-500 2000 लोग ऐसे तैयार भी रहते होंगे, लेकिन आज पंजाब हरियाणा का किसान पंजाब के किसान को कहता है कि भाई पहले एसवाईएल का पानी हमको दिलवाओ, वहां से आपके साथ तब खड़े होंगे। किसान नेता डल्लेवाल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राम मंदिर का जब से ये निर्माण हुआ है मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और अब उस ग्राफ को नीचे लाने का यही समय था, इसलिए ये आंदोलन हमने शुरू किया, कैसे देखते हैं? देखते क्या, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है, कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं। हमारा विषय है कि हम लाइन रोड की स्थिति, क्योंकि स्टेट के जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लाइन रोड की स्थिति की चिंता करेंगे और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे या जब तक वहां दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई और कोई तरीका बात करनी है तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं, कोई डेपुटेशन इस नाते से 20-30-50 लोगों का जा सकता है, हम हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे और दृश्य क्या बनेगा, दृश्य क्या बनेगा, लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार, या यही देश चाहता है क्या? देश में इन चीजों की स्वीकार्यता नहीं है। सर, ये पंजाब के साथ आपकी कोई बैठक हुई थी जब 13 तारीख को उन्होंने निकलना था, या पंजाब से कोई कम्युनिकेशन? नहीं, हमारा कोई एक मिनट ये पूछ रहा, आपने कोई इंटीमेशन दिया हो कि हम हरियाणा के बॉर्डर सील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हरियाणा में नहीं है, क्या आपने पंजाब? देखिए, ये विषय है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, तो लॉ एंड ऑर्डर में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, तालमेल रखती हैं, हमारी पुलिस की उनकी पुलिस की सारी बातचीत हुई है कि देखिए आप उनको रोकिए, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, उनके उनके लोगों को बोला ही है ना, और उनके लोगों को बोलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते ही हैं,
और उसमें से आखिर आईबी की रिपोर्ट होती है, वो भी काम करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना, हमारा वर्डिक्ट तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखिए। कैसे रखना, ये सिक्योरिटी एजेंसी का काम होता है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं होता। ये दूसरा सवाल ये है सर, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। कितनी हरियाणा में FIRs हो चुकी है सारे बॉर्डर्स के ऊपर इस वायलेंस को लेकर, उसका डेटा दे दो। देखिए इतना तो मुझे पता है कि उसमें कुछ किसानों को भी चोट लगी है, कुछ पुलिसकर्मियों को भी लगी है, दोनों ही अपने भाई हैं, दोनों तरफ ही गलत हुआ है। पत्रकारों को भी लगी है, एक पत्रकार हमारे हॉस्पिटल में जितेंद्र सत्येंद्र चौहान वो तो हॉस्पिटल में ही है। तो लेकिन अभी एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं बता पाऊंगा कि भी कितनी FIR हुई है, किस उसमें हुई है। हाँ लेकिन जिन लोगों ने एक सीमा का उल्लंघन किया होगा तो पुलिस ने जरूर FIR की होगी। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सर, 23 तारीख को बजट ला रहे हैं हरियाणा, ये बताएं कि 23-24 का जो बजट विधानसभा में आने वाला है किस तरह का मान के चलेंगे? एक ही शब्द है, पहले भी वही था आज भी वही है कि जनहित का बजट, जनहित का बजट। और इलेक्शन ईयर में बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता मैनिफेस्टो। लास्ट क्वेश्चन, इधर इधर पहले वो खड़े करता हूँ। के पास क्या कोई ऐसी सूचना है जो किसान संगठनों का जो दिल्ली कूच है ये राजनीतिक और आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित है? देखिए कमेंट करना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने किसी ने बात की हो, लेकिन व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई बार का के गलत संदेश देता है। एक एक सबसे पीछे पीछे नहीं, हमने पंजाब में नहीं की है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर की है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ उसमें कहीं कहीं जो ऐसे स्थान होते हैं जहां रोकने में थोड़ा आसानी होगी वो होते हैं नहर नदी पुल, और वो पुल थोड़ा इधर है कि उधर है उसको हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसमें इसमें कुल मिलाकर के आज शाम को जो मेरी जानकारी है आपकी भी जानकारी है, शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्री और उनके ग्रुप की जो भी उनके प्रतिनिधि हैं किसानों के, उन प्रतिनिधियों की चंडीगढ़ में एक बैठक है और मैं आशा करता हूं कि जरूर कोई ना कोई इसमें से समझौते में से रास्ता निकलेगा और निकलना भी चाहिए। ये लंबा इस प्रकार का जो विषय है विवाद का तनाव का, ये ठीक नहीं है, किसके लिए भी ठीक नहीं है, ना हमारे पंजाब के किसानों के लिए ठीक है, ना हरियाणा के नागरिकों के लिए ठीक है। मिल बैठ करके इसमें रास्ता निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद।